मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं मीटू कैंपेन के बारे में अपने कुछ राय देना चाहता हूँ। कई बार सुनने में बड़ा फिल्मी जरूर लगता है कि लड़कियों के साथ जाती होती है या मोलेज करने की कोशिश की जाती है, एंड आई ऑलवेज फील देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द फ्लर्टिंग एंड मोलेस्टेशन। जब तक हम किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक समथिंग इज अलाउड, लेकिन जब हम किसी की प्राइवेसी को हर्ट करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक मोलेस्टेशन की कैटेगरी में आ जाता है। और बहुत सी फीमेल्स इसका शिकार होती है और बहुत सी फीमेल्स इस बात को लेकर चुप भी रहती हैं, वो जाके बोल नहीं पाती हैं, बिकॉज जब वो घर जाके बोलती हैं या बोलने की कोशिश करती हैं तो पहला उनसे बोला जाता है कि हमने तेरे को मना किया था उस जगह जाने को, हमने तेरे को मना किया था उस आदमी से मिलने को। तो और फाइनली जो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लड़की के ऊपर डाल दिए जाते हैं, अब तो वहां नहीं जाएगी, उस आदमी से नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो पेरेंट्स को और घर वालों को समझना चाहिए, अगर इवन दो आपकी जो डॉटर है या सिस्टर है वो आउटगोइंग है और वो अगर लोगों से मिलती है, किसी अपने प्रोफेशन की वजह से मिलती है या सोशल रीजंस की वजह से मिलती है, पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे वो हस्बैंड हो, कि वो अपने पार्टनर के साथ उसकी इच्छा के बिना कोई भी सेक्सुअल एक्ट करने की कोशिश करे। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि इवन एक हस्बैंड को भी अधिकार नहीं है कि अपनी वाइफ के साथ भी वो उसकी इच्छा के बिना एक सेक्सुअल एक्ट करने की कोशिश करे। जब ये एक हस्बैंड को अधिकार नहीं है तो किसी और को तो किसी कीमत में हो ही नहीं सकता। तो लोग घर जाके कंप्लेन करते हैं या फीडबैक देते हैं तो हम उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स की तुमको मना किया गया था उस आदमी से साथ घूमने के लिए या तुमको मना किया गया था उस जगह जाने के लिए या तुमसे पहले भी बोला गया था रात में इतने बजे घर से बाहर मत निकला करो। ये सब बात की चीजें हैं। पहली चीज है कि अगर किसी आदमी ने या किसी लड़के ने एक अनवांटेड ट्राई किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ प्रॉपर कंप्लेन होनी चाहिए और उसके लिए पेरेंट को और फैमिली को और रिलेटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वापस लड़की के ऊपर ही पॉइंट करें, लड़की के ऊपर ही मिस्टेक्स निकालें और उसी में गलती ढूंढने की कोशिश करें। सो मेरा मीटू कैंपेन के लिए यही मैसेज था। धन्यवाद।